बोले। हेलो एवरीवन, तो फाइनली हम लोग कोलकाता के लिए निकल चुके हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड हम लोगों को बहुत नींद आ रही है, तो हम लोगों का शक्ल बता रहा होगा कि हम लोग कितने नींद में निकले। ये सभी अंकल है, पीछे मेघाबाजी है। हाय फ्रेंड, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। गाइस स्टेशन पहुंच गए हैं, अब गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। ये देखिए हम लोग के यहाँ का रेलवे स्टेशन। अब हम लोग जाएंगे स्टेशन के अंदर। क्या हो रहा है, डांस कर रही है खुशी में, बहुत खुश है, बहुत खुश। हमेशा ट्रेन में जाने से बहुत खुश। और ये हम दोनों का सेकंड ट्रिप है इस साल का। इस साल हम लोग इस साल, मुझे तो लगता है कितना दिन बाद हम लोग सबसे बड़े वेले हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी प्लान बनता है हम लोग सबसे पहले निकलते हैं। दो वो इधर दे, नहीं सर, चलो लेट्स गो। मेरा पर्व ना आजा पकड़ने के समय रहने, नहीं नहीं चलो तुम लोग जाओ। ऐसा तो लग रहा है कि सिर्फ हम ही लोग स्टेशन पे है। अभी तक ठीक से सुबह नहीं हुई है। हम लोग ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, सबको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को उतरना है। गर्मी लग रही है, ठंडा कहाँ है, हमको तो ठंडा लगता है। हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, अब यहाँ हम लोग ट्रेन के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी। हाँ, हम लोग का सीट 8 है, तो हम लोग कंफ्यूज है किधर खड़े हुए, बट हम लोग बीच में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। हम लोग सब कोई जा रहे हैं कोलकाता, देखिए आगे आगे क्या होता है। आप लोग देखिएगा तभी समझ में आएगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं कोलकाता। और रोजा अभी अभी प्रैंक किया है कि फोन नहीं लाइए, बट फोन लाइए। वो बदमाश नंबर 1। हम भी घबरा रहे थे कि सही में फोन नहीं लाई है। सुबह चोट लगता है। हम लोग सुबह सुबह जोक मारियो। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं, बहुत इंसान है। कर दिया हमें। तो गाइस सरप्राइज है, आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। अब क्यों जा रहे हैं ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, और सरप्राइज है। आप लोग देखिए हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कोलकाता, क्यों जा रहे हैं। और देखिए हम लोग के साथ साथ चलिए कोलकाता और मज़े लीजिए। और आप इसको गाइस अभी स्टेशन पे हूँ, और बहुत दिन बाद ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ट्रेन का सफ़र नहीं की थी, ज़्यादातर फ्लाइट पे सफ़र की कर रही थी। इसीलिए इस बार जा रही हूँ कोलकाता, तो सोच रही हूँ कि नहीं ट्रेन पे ही जाना अच्छा रहेगा, और ट्रेन पे बहुत दिन से सफ़र नहीं की थी, इसलिए ट्रेन में जाने का बहुत मन कर रहा था। तो इसलिए आज हम सब ट्रेन में जा रहे हैं कोलकाता, और क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, ये मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग हम लोग के साथ साथ चलिए, आप लोग भी कोलकाता देखिए, हम लोग कोलकाता क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, देखिए और इन्जॉय कीजिए। आओ इधर बैठो। ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम सब। कितनी बजे ट्रेन आएगी? 6:35। 6:35।
तो क्या बोल रही हो, कितने बजे आएगी? साढ़े छः। आज वो हिंदी में बात कर, साढ़े छः। आज किसी को बोले उस दिन क्या बोले थे कि हमने ये आया था, क्या कहता है वो मीशो से, हाँ नहीं उसको बोले कि 2600 रुपया दे देना, तो क्या बोलते हैं 2600 रुपया कितना होता है? साढ़े छः समझ में आता है। अब उसको बोलो ये 10,000 100 में बोलो नहीं हो पाएगी। कुछ खाने के लिए मांग रहा है, देखो ना दे दो। किसको देने के लिए जाओगी तुम? हाँ खा लेते ना, खाने के लिए वो सामने सामने जाके बैठता है। खिला ये डॉगी रोजा के पीछे पड़ गया है, रोजा उसको बिस्किट खिला रही है। हाँ नहीं तो देखना काट लेगा, खिला दो। ट्रेन हमारी आ गई, अब हम लोग ट्रेन में चढ़ेंगे। आ गई देखो क्या तब हम लोग चलेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग सीट पे बैठ गए हैं, सीट मिल गई है अच्छे से, है ना? चाय है या कॉफी है? चाय है। चाय के साथ अच्छा लगेगा। ये आलू पराठा है गाइस, रोजा बनाई है और चाय के साथ ये पराठा बहुत टेस्टी लग रहा है। ये है चाय, अब मैं चाय कितना दाम है एक कप का चाय? 10 रुपया।
10 rupees. कोरोना के चलते तो खाना पीना बंद कर दिया है, घर से लाना पड़ा है, अब पता नहीं कब से स्टार्ट करेगा, है ना। और ये मेघा जी अपना बाल संवारती है, क्योंकि हम लोग बंदे बाल में अच्छे नहीं लगते। सोना था तो वो अलग अलग घसका दी उनको। एंड फाइनली मुझे विंडो सीट मिल चुका है, ये देखिए। इसके पीछे का सच्चाई हम बताना चाहेंगे आपको, ये कि ये मामी के सामने बहुत आवाज़ ही नहीं आएगा, जोर से बोलिए। इसके पीछे का राज ये है कि ये मामी के सामने में बहुत रोई है कि जो सीट दे दी तब जाकर उसको विंडो सीट मिला है। कौन मम्मी होती है जो पहले विंडो सीट हड़प लेती है, बताइए। आप देख सकते हैं गाइस। जब हम लोग सो गए थे तो मेरी छोटी बेटी बदमाशी करके हम लोगों का वीडियो ले लिया, देखिए कितना बदमाश है। लंच चल रहा है ना, ये की खाना वही पराठा आलू, लेकिन खाली क्या है अभी खिचड़ी है हमारे पास और गोभी का भुजिया है, टूट पड़ा है दोनों। और हम तो तुम लोग चलो भाई कैसा है देखते हैं टेस्ट करके। गोभी का भुजिया, आलू का पराठा, किसका हाथ का पराठा, रोजा का हाथ, टेस्टी है। अभी हम लोग सो के जगह सुबह नाश्ता करके सो गए थे, अभी सो के जग के उठ के लंच कर रहे हैं। गाइस हम लोग हावड़ा स्टेशन पे उतर गए हैं, देखिए गाइस कितना खचाखच भीड़ है। अब हम लोग पार्किंग के तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग की गाड़ी आई हुई है। चलिए भैया एक कुली ले लिए हैं, क्योंकि इतना सामान अकेले ले जा नहीं पाएंगे इसलिए कुली ले लिए हैं।
किधर है, कहाँ गए भैया? नंबर मिलाइए, फिर नंबर मिलाना। सो गाइस, फाइनली हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। आगे आगे देखिए और एंजॉय कीजिए। जाम के ऊपर है, ट्रैफिक जाम के ऊपर है ना। सो गाइस, मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर न्यू रेसिपी का ब्लॉग घर का ब्लॉग, बाहर का ब्लॉग, सब जगह का ब्लॉग लेके फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।